यदि आप क्रिकेट के शौकीन हैं तो टीवी या मोबाइल में लाइव क्रिकेट देखते ही होंगे, और क्रिकेट देखते समय आपके मन में जरूर ये सवाल आते होंगे कि कैसे ये क्रिकेट सीधा ग्राउंड से इतनी बेहतरीन एडिटिंग और एनिमेशन के साथ हम तक पहुंचता है, कैसे कुछ ही सेकंड में ग्राउंड के हर हिस्से के वीडियो हम देख पाते हैं। तो आज आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। हम आपको वो सब बताने वाले हैं जिससे क्रिकेट आप तक पहुँचता है। सबसे पहले बात करते हैं कैमराज की। तो एक मैच में लगभग 30 कैमराज लगे होते हैं, जिनमें से कुछ चारों ओर बाउंड्री के पास, कुछ स्काई कैम ऊपर उड़ रहे होते हैं, कुछ कैमरा अंदर कमेंटेटर्स के पास लगे होते हैं। इसी तरह कुछ कैमराज ऑडियंस की फुटेज ले रहे होते हैं, यानी कैमराज हर एंगल में लगे होते हैं। अब इन सभी कैमराज की लाइव फुटेज कंट्रोल रूम में जाती है। कंट्रोल रूम में सभी कैमराज के लाइव वीडियो एक साथ चल रहे होते हैं, और यहाँ होती है एक मेन स्क्रीन जिसकी फुटेज हम टीवी या मोबाइल पर लाइव देखते हैं। कंट्रोल रूम में फुटेज सिलेक्शन डायरेक्टरों की एक टीम होती है जो ये डिसाइड करते हैं कि सभी कैमरा से आ रही फुटेज में कौन सी फुटेज टीवी पर दिखानी है। ये टीम सिर्फ कैमरा का नंबर बताती है जिसको दूसरी टीम द्वारा स्विच कर दिया जाता है, जिससे उस कैमरा का फुटेज लाइव टीवी पर जाने लगता है। अब यहाँ पर एक और टीम होती है जिसे ग्राफिक्स एनिमेशन या एडिटिंग टीम भी कह सकते हैं। यह टीम ग्राफिक्स और एनिमेशन जरूरत के हिसाब से लाइव टीवी पर डालती जाती है, जैसे किसी खिलाड़ी का प्रीवियस स्कोर दिखाना हो, कितने चौके छक्के किस तरफ लगे हैं या किस टीम के कितने पॉइंट हैं, यह सब ग्राफिक टीम लाइव टीवी स्क्रीन पर समय समय पर डाल देती है। अब यहाँ होती है एक टीम जिसके पास पिछले मैच या पुरानी फुटेज होती हैं, जिसे बीच बीच में दिखा दिया जाता है। कंट्रोल रूम का कनेक्शन कमेंटेटर रूम पर भी होता है, जैसे कमेंटेटर को पहले ही कुछ फुटेज या सूचना दिखा देते हैं ताकि कमेंटेटर उस टॉपिक पर बात कर सकें, और कभी कभी कमेंटेटर भी हिंट कर देते हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो प्री रिकॉर्डेड फुटेज वाली टीम उस टॉपिक के वीडियो दिखाने लगती है। यहाँ ऑडियो एडिटर टीम भी होती है जो सभी कैमरा और माइक से आ रहे ऑडियो को कंट्रोल करती है, और यह निश्चित करती है कि कब कौन सा ऑडियो या किन किन माइक को ऑन रखना है। अब यहाँ पर एक होते हैं ऑनलाइन एडिटर, जिनका संपर्क सीधे एम्पायर से होता है। जब रीप्ले दिखाना होता है तो एम्पायर ऑनलाइन एडिटर को बताते हैं, और ऑनलाइन एडिटर प्री रिकॉर्डेड वाली टीम को बताते हैं, और ये टीम पिछली फुटेज को स्लो मोशन और सभी एंगल्स में लाइव टीवी पर दिखाते हैं। साथ ही अल्ट्रा एज के लिए भी यही टीम तुरंत निश्चित कर फुटेज लाइव टीवी पर प्रोवाइड करती है। कंट्रोल रूम में स्कोरर भी होता है, जिसे फ्रूट मशीन भी कहते हैं, जो ऑनलाइन एडिटर और एम्पायर के संपर्क से स्कोर की एडिटिंग तुरंत ही करते जाते हैं। उनके कंप्यूटर में पूरा स्कोर इकट्ठा होता है, जिसके सिर्फ आंकड़े ग्राफिक्स टीम की मदद से लाइव टीवी पर दिखाई देते हैं, जिनकी जगह निश्चित होती है। अब ये सभी प्रोसेसिंग के लिए कई तरह के सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, बल्कि यह प्रत्येक मैच के पैसे लेते हैं। ये सॉफ्टवेयर क्रिकेट लाइव करने के लिए ही बनाया गया है, जो हर मैच का किराया लेते हैं। कमेंटेटर रूम भी सभी भाषाओं के अलग अलग होते हैं। यदि इस वर्ष के IPL सैटेलाइट राइट स्टार टीवी ने खरीदा है, और स्टार टीवी क्रिकेट को कई भाषाओं में ब्रॉडकास्ट करता है, जैसे तमिल, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश में, तो इसके लिए इन अलग अलग भाषाओं की कमेंट्री के लिए अलग अलग टीम और अलग अलग रूम होते हैं। इन सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो फुटेज लाइव टीवी के लिए चल रही होती है, वह फुटेज पोस्ट प्रोडक्शन हाउस को भेजी जाती है, जिसे प्रत्येक चैनल की टीम अलग अलग चैनल पर सैटेलाइट के माध्यम से, टीवी पर और इंटरनेट के माध्यम से हॉटस्टार पर पोस्ट करती जाती है। और जो क्रिकेट में ऐड आते हैं, उन ऐड का मैनेजमेंट पोस्ट प्रोडक्शन हाउस और चैनल मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है, और यह सभी प्रक्रिया में रियल मैच और टीवी पर चल रहे मैच में कुल 7 से 30 सेकेंड तक का डिले होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्रिकेट ग्राउंड से आपके घर तक, टीवी तक और मोबाइल तक पहुंचता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।